आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल जनरल डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के एरर कोड के बारे में, जो क्या है करंट ट्रिप एरर। तो चलिए जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको और इसके एरर के बारे में आपको बताते हैं। तो ये है ओ जनरल का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। ये इंडोर था, ये रहा उसका आउटडोर। तो अभी हम इसको सारे को डिसअसेंबल करेंगे, कनेक्शन करेंगे और आपको एरर कोड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक लगा देंगे इसको, इलेक्ट्रिक पास करेंगे। स्विच ऑन किया, देखिए अब इसकी इंडोर को ऑन कर दिया। देखिए इसकी लाइट जल गई है, रेड लाइट ऑपरेशन लाइट है, ये ऑपरेशन लाइट है, जल गई है। तो ये अभी कुछ देर बाद इसका जब एरर कोड आ जाएगा तो फिर उसके बारे में आपको समझाएंगे। ये देखें, अब जी ये यूनिट चल रहा है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए, और ये एरर कोड भी ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये देखें एरर कोड यहाँ पे आना शुरू हो गया, देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ठीक है जी। तो अब एरर कोड मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इंडोर और आउटडोर को आपस में कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक दे दें, ठीक है, और इसको ऑन करके छोड़ दें। तो ये तकरीबन आपका जो है वो 5 से 6 दफ़ा इंडोर आउटडोर चलेगा, ठीक है। तो चलने के बाद ये एरर कोड आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम एरर कोड को गिनते हैं, और इसकी गिनने का तरीका कार ये है, सबसे पहले आप ऑपरेशन वाली लाइट को गिन लें। तो उसके लिए आप ग्रीन लाइट पे उंगली रख दें। अब हम इसको गिनेंगे रेड को, 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा ऑन और ऑफ हो रही है। अब हम इस तरफ करेंगे, इस पे उंगली रख लेंगे और ग्रीन वाली गिनेंगे, 1 2 और 2, ये 2 दफ़ा है, मतलब के 5 और 2, ठीक है। इसका मतलब है कि ये करंट ट्रिप एरर है। तो करंट ट्रिप एरर जो है वो आपके आउटडोर सर्किट से सारा ताल्लुक रखता है, ठीक है। अगर इसमें आपके इलेक्ट्रिक का कोई मसला है तो फिर भी ये ट्रिप दे एक एरर देगा, और अगर आपके कंप्रेसर ड्राइव एरिया में फॉल्ट है तो फिर भी ये एरर देगा, यानी कि 5+2, तो ये करंट ट्रिप एरर देगा। तो आप अपना ये कंप्रेसर ड्राइव एरिया चेक करेंगे या अपनी इलेक्ट्रिक चेक करेंगे, तो ये आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा।